गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों कक्षा 12 में कल हमने यण संधि पढ़ाई थी, गुण संधि। आज देख लो यण संधि, ठीक है? देखो यण संधि क्या होती है। यण संधि, ठीक, यण संधि होती है। देखो इसका इसका सूत्र होता है इको यण। नियम देखो तो नियम क्या होता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ई या ई, उ या उ, री या री, या री और ली के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ई या ई, उ या उ, री तथा री के बाद, री के बाद कोई भिन्न या असमान, भिन्न या असमान स्वर आए, ऐसे कर लो। कोई भिन्न, भिन्न को हम असमान भी कह सकते हैं, ठीक, असमान स्वर आए तो ई या ई का या, ई या ई का उ या उ का, उ या ई या उ या उ का वा, री का रा, री का रा तथा ली का ला में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखो जैसे जब तक उदाहरण नहीं बताएंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगी। देखो यानी यदि ह्रस्व या दीर्घ, ई या ई, उ या उ, री तथा ली के बाद कोई भिन्न या समान स्वर आए तो ई या ई का या, उ या उ का वा, री का रा तथा ली का ला में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, देखो उदाहरण जैसे अति घन अधिक, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। अब यहां पर देखिए ये ई है, अब ई या ई के बाद जब उ नहीं आ रही, ये भिन्न है, यानी जो प्लस के बाद वाला शब्द होगा उसमें ई या ई नहीं मिलेगी। अगर इधर ई है तो इधर ई नहीं मिलेगी, अगर इधर उ है तो इधर उ नहीं मिलेगा, इधर री है तो इधर री नहीं मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है तो फिर वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो नियम है, नियम के अनुसार अति प्लस अधिक यानी ई और ई का यहाँ पर या हो गया, क्या हुआ या, और इससे स्वर निकल जाने के कारण जो ये वर्ड है तुम्हारा, ठीक, ये यहाँ पर अधूरा रह जाता है, हलंत आ जाता है। ठीक, तथा व्यंजन में से स्वर निकल जाने पर हलंत हो जाता है, ये अधूरा रह जाता है। ठीक, ई का या में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा उदाहरण यदि धन अपि, जो इंपॉर्टेंट है वही हम बता रहे हैं केवल, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। अब यहां पर देखिए यद्यपि हो गया, ये दा अधूरा रह गया और यहां पर छुट्टी
ई है इसलिए यहाँ पर भी ये ई का या पद में परिवर्तन हो गया, ठीक, ई का या में, यद्यपि। अति प्लस आचार, अति प्लस आचार में देख लो, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। अभिधन उदय, अब यहाँ पर भी देखिए ये, अब ये नहीं कहोगे कि इधर कु है, वो इधर आएगा, ठीक, तब कुआ में परिवर्तन होगा, इधर से भी कुछ लेना देना, हमें सिर्फ इधर का देखना है, ठीक है बच्चों। तो अब इधर उदय बराबर अभ्युदय, ई का या में परिवर्तन हुआ है। आगे देख लो ऊ के उदाहरण कुछ, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, ठीक। अब यहां पर देखिए ऊ आया है, ऊ का यहां पर वा में परिवर्तन हुआ है, ऊ का वा हो जाता, मैं लिखाया है या उ का वा, ये लिखा हुआ है, या उ का वा में परिवर्तन हो जाता है, स्वागतम, शुधन आगतम बराबर स्वागतम। मधु धन अरि, मधु प्लस अरि बराबर मधुरि, उ का वा, ठीक। एक उदाहरण प्रतिकाओ देख लो, प्रति ई का, प्रति प्लस एकम बराबर प्रत्येकम, ई का या में चेंज हुआ और ये ए लिखा है इसीलिए एक ही मात्रा लगी हुई है। गुरु प्लस आदेशा, आदेश कहेंगे बराबर गुरुआ, ठीक, इस उका वापर परिवर्तन हो गया है। पितृधन, अब देखिए री का कुछ, री के उदाहरण देख लो, पितृ प्लस अनुमति हमने लिखा है, अगर री आता है तो देखो री का जो है रा हो जाता है बराबर पितृनुमति, ता और रा से मिलकर त्रा बनता है, ठीक, पितृनुमति आधा ता और इसमें रा छुपा हुआ है, पितृनुमति क्योंकि ता आधा ही रह जाएगा क्योंकि सारे में ता सारे वर्ण अधूरे हो रहे हैं, ठीक है, पितृनुमति। मात्र प्लस आज्ञा किसी तरह, पित्र प्लस आज्ञा बराबर पित्र आज्ञा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, देख लो। मात्र प्लस इच्छा बराबर मातृच्छा, मातृच्छा प्रिय बना इतना खुश, मातृच्छा, ठीक है। आगे देखो एक री का उदाहरण देख लो,
जैसे लि प्लस आकृति, हमने लिखा है लि का ला हो जाता है, लि प्लस आकृति बराबर लाकृति। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने बताया कि यानी यदि ह्रस्व या दीर्घ या ई उ या उ, यानी जो प्लस के पहले, प्लस के पहले ई या ई उ या उ, री या री या लि आएगा, री लि कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद यानी प्लस के बाद वाला जो पहला वर्ड है उसमें आपको फिर ई के साथ ई नहीं मिलेगा, ना उ के साथ उ मिलेगा, ना री के साथ री मिलेगा, ना ली के साथ लि मिलेगा। ठीक, कोई असमान स्वर मिलेगा, असमान या भिन्न स्वर मिलेगा। तो अगर भिन्न स्वर मिलता है तो ये इधर वाला ई है, ई या ई, वो या में परिवर्तित हो जाएगा, उ या उ होगा तो वो वा में परिवर्तित हो जाएगा, और री होगा तो वो रा में परिवर्तित हो जाएगा, और री होगा तो वो ला में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वर्ड होते हैं इनसे स्वर निकल जाने कारण हलंत आ जाता है, और हलंत आने पर वो वर्ड अधूरा हो जाता है। ठीक, इसमें ये सारे वर्ड देखो यहाँ पर अधूरा, ये भा अधूरा हो गया, ता अधूरा हो गया, दा, और यहाँ पर ये सु लिखा है इसलिए स्वागतम हो गया, सा जो है अधूरा रह गया, धा अधा हो गया। ठीक है, तो ये अधूरे वर्ड रह जाते हैं, तो ये यर संधि है। आगे एक संधि तुम्हारी बची है जो कि है अयाद संधि। बस यही चार संधियां आपके एग्जाम